हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक एनम नर्स की जो वैकेंसी निकली है उसका जो पार्ट वन है मैं कल लेकर आई थी। अब जो पार्ट टू है मैं आज लेकर आई हूँ, और उसका पार्ट थ्री एंड फोर जो बचे हुए बाकी के दो पार्ट्स हैं वो मैं बहुत बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगी। ठीक है दोस्तों, तो इस टेस्ट सीरीज को ध्यान से देखना दोस्तों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बेस्ट क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है, सिंगल डोज ऑफ नेविरेपिन 2 mg पर kg बॉडी वेट मस्ट बी गिवन टू न्यू बॉर्न ऑफ HIV पोजिशन मदर विद इन। ओके, यहाँ पे HIV पोजिशन लिखा है जो कि गलत है, HIV पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों, तो मिसप्रिंट है, HIV पॉजिटिव मदर। ठीक है, एक HIV पॉजिटिव मदर है जिसने बेबी को बॉर्न किया है, बर्थ दिया है अभी। ठीक है, तो आफ्टर बर्थ बेबी को नेविरेपिन लगाना है 2 mg पर kg बॉडी वेट। तो कितने टाइम में लगाना है? द राइट आंसर इज, आपको बता देती हूँ मैं, द राइट आंसर इज 72 hours ऑफ बर्थ नेविरेपिन हमें बच्चे को देना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स असेसिंग अ पेशेंट एडमिटेड विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस शी इज एक्सपेक्टेड टू फाइंड ऑल द फॉलोइंग साइंस एक्सेप्ट। एक नर्स है जो एक पेशेंट को असेस कर रही है, उसको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। ठीक है, और इन चार में से कोई एक सिम्टम है जो उस असेसमेंट के टाइम पे नहीं मिलेगा, जो उसका राइट आंसर है कर्निक साइन, सी कर्निक साइन से नहीं मिलेगा असेसमेंट के टाइम से, एक्सेप्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो पेन मेडिकेशन होगी, चॉइस ऑफ पेन मेडिकेशन इन MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक, जो भी है आप जो भी आप समझते हैं, एक्यूट MI में हम पेन मेडिकेशन ऑफ चॉइस क्या होगी हमारी, वो होगी मॉर्फिन। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन मॉर्फिन सल्फेट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, द नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ अ पेशेंट एट हाई रिस्क ऑफ एस्पिरेशन निमोनिया। एक नर्स है जो पेशेंट का केयर कर रही है एट द हाई रिस्क ऑफ एस्पिरेशन निमोनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन विल डू द प्रिवेंट एस्पिरेशन। कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है जो नर्स प्रिवेंट कर सकती है पेशेंट का एस्पिरेशन निमोनिया? तो उसका राइट आंसर है बी, जब भी पेशेंट को फीड करेंगे हम 45 degree के एंगल पे उसे पोजिशन देंगे, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, The next one is, humoral immunity is transferred through, जो humoral immunity है वो किसके through transferred होती है? B cells के through transferred होती है babies में। ठीक है, mother से baby में। And next question है, इनमें से कौन सा, इन चारों में से कौन सा Bishop scoring नहीं है? ठीक है, which of the following is not a component of Bishop scores? तो जो इसका करेक्ट आंसर है स्टेशन ऑफ हेड जो है कंपोनेंट नहीं है बिशप स्कोर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनहेरिटेड सेक्स लिंक ब्लीडिंग डिसऑर्डर, सेक्स लिंक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है इनहेरिटेड, राइट आंसर इज थैलेसीमिया। ओके, राइट आंसर इज थैलेसीमिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किन ग्राफ्ट दैट इज टेकन फ्रॉम अनदर पोर्शन ऑफ द पेशेंट ओन्स बॉडी। एक पेशेंट के बॉडी से ही दूसरे पार्ट से स्किन का ग्राफ्ट लेकर दूसरे जगह पर लगा दिया तो उसको बोलेंगे ऑटोग्राफ्ट। ठीक है, राइट आंसर इज दिस, ऑटोग्राफ्ट। स्किन ग्राफ्ट दैट इज टेकन फ्रॉम अनदर पोर्शन ऑफ पेशेंट्स ओन बॉडी इज नोन एज ऑटोग्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SLE। ठीक है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। ठीक है, SLE इज अ डिजीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर इन विच द सेक्सुअल बिहेवियर इज डायरेक्टेड टू एनिमल, द राइट आंसर इज बेस्टियालिटी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड हर्ट साउंड इज ड्यू टू, जो सेकंड हर्ट साउंड है वो किसकी वजह से आता है? ठीक है, तो राइट आंसर इज एओर्टिक वाल्व. एओर्टिक वाल्व की वजह से सेकंड हर्ट साउंड आता है. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. अ 45 ईयर्स ओल्ड वुमन प्रेजेंट टू द हॉस्पिटल कंप्लेनिंग ऑफ चेस्ट पेन. एक पेशेंट है 48 ईयर्स वुमन है जिसको चेस्ट पेन हो रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है एंड डिस्निया हो रहा है. ठीक है, और वो हॉस्पिटल आई है. एग्जामिनेशन का टाइम पे क्या है, हार्ट साउंड मफल्ड है. ठीक है, तो असेसमेंट की जो फाइंडिंग है तो वो क्या सब फाइंडिंग्स वुड सपोर्ट ऑफ डायग्नोसिस ऑफ कार्डियल टैम्पोनेट्स. ठीक है, असेसमेंट के टाइम पे ऐसे कौन सी असेसमेंट है जिससे हमें लगेगा कि पेशेंट का जो डायग्नोसिस है वो कार्डियक टैम्पोनेट है. कार्डियक टैम्पोनेट को असेस करने के लिए कौन सा साइन जरूरी है? कार्डियक टैम्पोनेट को असेस करने के लिए जो सबसे ज़रूरी साइन है वो है सी, पल्स 40 विद इंस्पिरेशन. ठीक है, पल्स 40 विद इंस्पिरेशन इसका साइन है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इम्पॉर्टेंट कोऑर्डिनेट कॉजिंग रीनल कैलकुलाई. ठीक है, रीनल कैलकुलाई कॉज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कोऑर्डिनेट ये है कि पेशेंट को हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो जाएगा. हाइपर पैराथायरॉइडिज्म होने की वजह से ब्लड कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से रीनल कैल्शियम कैलकुलाई बनेगा. ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइगोक्सिन इज नॉट गिवन व्हेन द हार्ट रेट इज बिलो 60 पर मिनट. द राइट आंसर इज ए, बिलो 60 मिनट्स. अगर पेशेंट का हार्ट रेट बिलो 60 पर मिनट है तो हम पेशेंट को डाइगोक्सिन मेडिसिन नहीं देंगे, वो स्टॉप करेंगे, होल्ड कर देंगे. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो साइड इफेक्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन का, ठीक है, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन का साइड इफेक्ट होगा वो होगा डैमेज टू 8 cranial nerve. जो 8 cranial nerve में डैमेज होगा वो साइड इफेक्ट है ATT का. ATT स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन जो हम पेशेंट को देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द डिजीज caused by human papilloma virus, HPV virus से कौन से disease caused होती है? The right answer is warts. Warts का जो causative agent है वो human papilloma virus है. ठीक है, the next question is, the cause of ascites in the cirrhosis of liver. Cirrhosis of liver में ascites जो होता है वो किसकी वजह से होता है? Poor obstruction. यहाँ पे पोरल मिसप्रिंट है. यहाँ पे जो पोरल है, मैं क्वेश्चन की तरफ दिखा देती हूँ, यहाँ पे जो पोरल है वो मिसप्रिंट है क्योंकि वो पोरल की जगह पोर्टल है. पोर्टल सर्कुलेशन जो होता है वो पोर्टल में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा जिसकी वजह से एसाइड्स होगा पेशेंट को इन सिरोसिस ऑफ लीवर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following hormone is modified amino acid? इन चारों में से कौन सा modified amino acids है? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है. राइट आंसर जो है हमारा epinephrine. Epinephrine एक modified amino acid होता है. Then next question is, newborn skeletal is made up of. जो newborn baby होता है उसका जो skeleton होता है वो कैसे बनता है, कितनी bone से बनता है? Right answer is 300 bones. 300 हड्डियाँ होती है और adult में 206. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. यहाँ पे जो लिखा है, ईच हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज कम्प्लीटेड इन, जो एक हार्ट बीट होती है ह्यूमन हार्ट की वो कब कंप्लीट होती है? 0.85 सेकंड में. 0.85 सेकंड में जो ह्यूमन हार्ट बीट है एक वो कंप्लीट हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. उम्मीद है आप सबको ये वीडियो समझ आ रही होगी, पसंद आ रही होगी. अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना. एंड आगे देख लेते हैं. कोई भी डाउट हो आप कमेंट में ज़रूर बोलना. ठीक है, या कोई मिस्टेक हो तो उसे ज़रूर
क्लियर करना मेरे कमेंट बॉक्स में. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉज्ड बाय एलिवेटेड इंट्राओक्युलर प्रेशर. जब हमारी आईज का IOP इंट्राओक्युलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इंट्राओक्युलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो उससे कौन सी कंडीशन क्रिएट होगी. द राइट आंसर इज ग्लूकोमा. ग्लूकोमा क्रिएट होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवेबल बोन इन द स्कल. जो मूवेबल बोन है हमारे स्कल में वो है मैंडिबल. राइट आंसर इज बी, मैंडिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिखा देती हूँ मैं आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन द चिल्ड्रन. चिल्ड्रंस में मम्स जो होता है उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन जो मोस्ट कॉमनली सीन की गई है वो ये है, ऑर्चाइटिस. ऑर्चाइटिस देखा गया है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस इज कॉल्ड ऑर्चाइटिस. तो जो मेरा जो ये क्वेश्चन नंबर 25 है यहीं पे वीडियो ख़त्म होती है. तो पार्ट 2 ख़त्म हो चुका है दोस्तों. अब इसका जो पार्ट 3 और पार्ट 4 है जिसमें टोटल मिलाकर 50 क्वेश्चन और बनते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी. नेक्स्ट वीडियो जो है कल तक आ जाएगी, कल तक, कल शाम तक दोनों पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है. कल शाम तक आपका जो मोहल्ला क्लिनिक का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 100 क्वेश्चन का, ठीक है. मोहल्ला क्लिनिक में 100 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, सिर्फ नर्सिंग के आते हैं और कुछ नहीं आता. GK, मैथ्स, रीजनिंग कुछ नहीं आता, सिर्फ नर्सिंग के 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें 2 घंटे मिलते हैं हमें. और बाकी 25 क्वेश्चन यहाँ तक पूरे हो चुके हैं. आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, अच्छे से क्वेश्चन क्लियर होंगे, डाउट्स नहीं होंगे. अगर फिर भी कोई डाउट्स या मिस्टेक होती है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना. एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, आगे शेयर करना, चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आगे मैं और अपडेट ला सकूँ और थोड़ा और मोटिवेशन हो मुझे, ठीक है, ताकि चैनल में और अच्छी अच्छी नई अपडेट्स एंड क्वेश्चन टेस्ट सीरीज और रिक्रूटमेंट्स जॉब वैकेंसीज मैं आपके लिए ला सकूँ दोस्तों. तो तब तक के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, बाय बाय एंड टेक केयर. अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.